गाइस तो चलिए आज रियलमी 3 प्रो की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं ऊपर लिखा गया है रियलमी 3 प्रो और इस तरफ रियलमी 3 प्रो की ब्रांडिंग और इस तरफ प्राइस दिया गया, जो कि देख सकते हैं कुछ ज़्यादा दिया गया है। लेकिन आप जब ऑर्डर करेंगे तो आपको मतलब 13,999 रुपये में, मतलब 14,000 रुपये में आपको हो जाएगा, 13,999 रुपीज़ में। और इस तरफ भी रियलमी 3 प्रो की ब्रांडिंग और आर इसका लोगो जो आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइज इसको फटाफट से इसको कट करके और डायरेक्टली आपको हम दिखाते हैं। और ये 4+64 GB वाला वेरियंट है और ये रियलमी 3 प्रो फ़ोन बहुत ही सक्सेसफुल है, जो कि रियलमी का ब्रांडिंग बस न्यू ही लॉन्च हुआ कुछ ही दिनों पहले। तो इसको चलिए ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिख जाता है, ऊपर आपको मिल जाता है सिम एजेक्टर टूल, जिससे आप सिम निकाल और बाहर कर सकते हैं, शायद आप जानते होंगे। उसके बाद आप इसके अंदर जो है आपको केस मिल जाता है, जो कि आप अपने फ़ोन में आराम से लगा सकते हैं, जो शायद रियलमी C2 C1 में नहीं मिलता है। ये कुछ गाइड मिल जाता है और ये बात की जाए तो मुलायम है, हद तक का मुलायम है, मतलब आपको कंपनी दी तो कुछ ही अच्छा होगा और शायद आप खरीद लें, बाय कर लें तो अच्छा रहेगा। उसके बाद ये फ़ोन रह गया, फ़ोन को मैं साइड कर लेता हूँ और डायरेक्टली ये भोग का चार्ज देख सकते हैं। पहले शायद मैं बड़े बड़े मोबाइल में देखता था, लेकिन रियलमी 3 प्रो ला के कुछ अजूबा कर दें, क्योंकि ये बहुत फास्टिंग चार्ज मिल जाता है आपको बहुत ही हाई स्पीड के साथ, जो कि 10 वाट का आप देख सकते हैं शायद ऊपर लिखा हुआ है। और ये ओप्पो का बना हुआ है, रियलमी का चार्जर है, जो कि कुछ अलग ही लुक में आपको दिखेगा। और इसकी केब देख सकते हैं, ये अंदर में कुछ देख सकते हैं येलो कलर का। ये रियलमी U1 जब मैं फ़ोन परचेस किया उसके अंदर ये चार्जर के अंदर ये ऐसा ऑप्शन नहीं था, जो कि वो का रियलमी का चार्जर देख सकते हैं। तो ये कुछ रह गया टाइप सी का तो नहीं, लेकिन आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, ये आपको एक केबल सिंपल सा मिल जाता है। तो ये केबल भी देख सकते हैं कुछ अलग ढंग का, कुछ और कलरफुल है, येलो कलर का उस जो रियलमी की ब्रांडिंग आती है वैसे ही सेम है। और इसको हम शार्ट करते हैं और हम डायरेक्टली अब बात करेंगे। इतना सामान हमको मिल जाता है जो कि प्रोडक्ट के अंदर रहता है। तो उसके बाद हम शायद अब फ़ोन की बात करें तो हम पहले रैपर को साइड कर लेते हैं। जब रैप को साइड करने के बाद आपको कुछ गजब सा लुक है, जैसा देख सकते हैं रियलमी 3 प्रो का डुअल कैमरा LED फ्लैश के साथ मिल जाता है। तो ये चमकता हुआ देख सकते हैं, तो ये इसमें ब्लू फ्लैश और रेड कलर हल्का मिलता हुआ रियलमी की ब्रांडिंग। और इसको हम ऊपर उखाड़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं हल्की सी मिली ही कलर। और उसके बाद ये फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि फास्ट फिंगरप्रिंट, और ये 16+5 MP का डेप्थ सेंसर कैमरा, उसके बाद LED फ्लैश। उसके बाद ये साइड देखा जाते वॉल्यूम बटन मिल जाता है, जो कि पावर बटन। और ये चलिए डायरेक्टली हम बूट कर लेते हैं फ़ोन को, शायद बैटरी हो, तो बैटरी है जी हाँ। तो ये ऊपर का आपको नॉच स्क्रीन मिल जाता है, जो कि बहुत ही कुछ गजब लुक बनाता है न्यू मोबाइल फ़ोन को, और पावर्ड बाय एंड्रॉयड ये लिखा हुआ आता है। उसके बाद ये नीचे की तरफ देखते हैं तो आपको ग्रिल स्पीकर मिल जाता है और चार्जर का, उसके बाद नॉइज 3.5 mm का जैक मिल जाता है, और पावर बटन, वॉल्यूम अप और डाउन का बटन मिल जाता है, जो दो बटन देखते हैं। और इसके बाद ये सिम एजेक्टर टूल के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है सिम लगाने के लिए। तो ये देख सकते हैं इसके अंदर कौन सा मिलता है, तो जी हाँ इसके अंदर हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं है, जो कि आप दो सिम आराम से लगा सकते हैं एक बार में, और एक मेमोरी कार्ड। तो गाइस हम फटाफट सा ये फ़ोन को सेट कर लेते हैं। गाइज फटाफट सा फ़ोन सेट करने के बाद आपको डायरेक्टली बस ऐसे कर लेना है, तो हम डायरेक्टली अपने फिंगरप्रिंट और फेस लॉक को अभी जस्ट लगाएंगे ताकि सिक्योरिटी चेक हो जाए बाद में। तो गाइज इसको हम फटाफट सा ये इंपॉर्टेंट डाटा, उसके बाद देख सकते हैं लग गया। और वेलकम 6 का कलर OS का अपडेट, इसमें 9 Pie का भी अपडेट है, जो कि आपको कुछ अलग लुक में दिख रहा। और ये गाइज ये वॉलपेपर हमको कुछ ही अलग तरह दिख रहा, जो शायद रियलमी U1 में भी ऐसा शायद नहीं मिला था। तो ये लग रहा है बिल्कुल 1+60 के तरह। तो ये कुछ ऐप मिल जाता है जिसको आप आराम से रिमूव करते हैं, आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि आपको मोबाइल के साथ मिलता है। तो जितना ये दिखा दिए आपको आराम से कर सकते हैं। चलिए डायरेक्टली हम सेटिंग के अंदर चलते हैं। तो सेटिंग के अंदर डायरेक्टली देख सकते हैं कुछ नॉच का बहुत ही गजब लुक है, और ये सभी तरफ से कटा हुआ दिखता है और फुल मोबाइल स्क्रीन। सेटिंग में जाने के बाद हम अबाउट के अंदर चलते हैं। अबाउट के अंदर आपको डायरेक्टली मिल जाता है 9 Pie का अपडेट, कलर OS वर्जन 6.0, और ये 9 Pie का अपडेट देख सकते हैं कुछ
अलग ही लुक दे रहा है, अमेजिंग लुक। और आपको एंड्रॉयड सिक्योरिटी पेच रिवर लेटेस्ट मिल जाता है, और जो ये 64 GB में से कुछ यूज़ किया गया जो कि मोबाइल में यूज़ होता है, और आपको कुछ इस तरह मिल जाता है। उसके बाद इसमें देखी जाए तो बहुत ही फास्ट क्विकली सपोर्ट करता है, मतलब अभी रियलमी U1 से बहुत ही फास्ट काम कर रहा है, क्योंकि रियलमी U1 का 9 पैप का अपडेट फास्ट नहीं काम कर रहा। तो हम फटाफट से जल्दी से लॉक स्क्रीन लगा लेते हैं और आपको हम डायरेक्टली अभी तुरंत दिखाएंगे कि ये कैसे, मतलब कितना स्पीड काम करता है। फटाफट सा फिंगरप्रिंट सेट कर लेते हैं गाइस, फटाफट से देते हुए, तो उसके बाद बहुत ही फास्ट ले रहा, तो देख सकते हैं सेट हो चुका और हल्का सा एक बार और लेगा तो गाइस हर मोबाइल में लिया जाता है, तो लेने के बाद पूरा सक्सेसफुल हो चुका है। तो चलिए अब हम गाइस फेस लॉक लगा लेते हैं। फेस लॉक लगाने से पहले आपको मैं बता दूँ कि ये फेस लॉक लगाने पासवर्ड मांगता है, उसके बाद पासवर्ड डालने के बाद आप ऐड कर सकते हैं। तो फेस लॉक के बाद इसमें आप मुझे फ्लैश लाइट बंद करना पड़ेगा, जो कि LED फ्लैश लाइट है। बंद करने के बाद मैं फटाफट देता हूँ, उसका तुरंत ही जस्ट ले लेगा। तो गाइस ये देख सकते हैं फटाक से ये टिक लग चुका है, तो ये लग गया दोनों चीज़। तो आपको चलिए हम डायरेक्टली अभी तुरंत चेक करके दिखाते हैं कि ये काम कितना अच्छा वर्क करता है या नहीं। तो गाइस ये फटाक से मैं बंद किया और फिंगर देख सकते फिंगरप्रिंट सटाया खुल गया। जी हाँ, एग्जैक्टली बहुत ही फास्ट काम करता है, सटाया खुल गया, देख सकते हैं सटाया खुल गया, बहुत ही फास्ट काम करता है, जो शायद आप समझ सकते हैं। तो रियलमी 3 प्रो बहुत ही सक्सेसफुल फ़ोन है, जो कि रियलमी U1 के जैसा, उससे ही कुछ बढ़िया ज़्यादा है रियलमी U1 से। तो ये देख सकते हैं फेस लॉक भी हम चेक कर लेते हैं, ये हटाया ओपन, ये क्लिक किया ओपन, तो ये बहुत ही एग्जैक्टली काम कर रहा, जो कि शायद आप कोई फ़ोन में नहीं देख पाए। तो अगर वीडियोस लाइक पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वीडियो, मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। आज ये इमेज खींचा हुआ देख सकते हैं रियलमी 3 प्रो की, ये आगे वाला कैमरा 25 MP से खींचा गया है, ये ब्लर पिक में लिया गया, जो कि आप देख सकते हैं कुछ बहुत ही बेहतरीन सब पिक आया है। तो ये आपको पीछे की कैमरा का दिखाते हैं, तो ये बायसाइकिल देख सकते हैं, ये 16+5 MP से लिया गया कैमरा है, जो कि बहुत ही गजब लुक में आया, और लो लाइट में आप दोनों ही फ़ोटो देखे हैं, तो बहुत अच्छी फ़ोटो है, मैं ऐसा कर तो बहुत अच्छी पिक थी।